1973 में ऋषि कपूर की पहली मूवी आई बाबी और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1974 में इनकी दूसरी मूवी आई जहरीला इंसान और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1975 में ऋषि कपूर की मूवी आई जिंदा दिल और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई राजा और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रफू चक्कर और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई खेल खेल में और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1976 में ऋषि कपूर की मूवी आई रंगीला रतन और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई लैला मजनू और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई बारूद और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कभी कभी और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 1977 में ऋषि कपूर की मूवी आई हम किसी से कम नहीं और दोस्तों तो ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई दूसरा आदमी और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई अमर अकबर एंथनी और दोस्तों ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही। 1978 में ऋषि कपूर की मूवी आई फूल खिले गुलशन गुलशन और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई नया दौर और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बदलते रिश्ते और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अनजाने में और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1979 में ऋषि कपूर की मूवी आई सरगम और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। दोस्तों ये मूवी ऋषि कपूर की काफी बढ़िया मूवी है। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई झूठा कहीं का और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दुनिया मेरी जेब में और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1980 में ऋषि कपूर जी की मूवी आई आपके दीवाने और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दो प्रेमी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई धन दौलत और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कर्ज और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1981 में ऋषि कपूर की मूवी आई खतरों के खिलाड़ी और दोस्तों ये मूवी हिट रही। वैसे ये मूवी काफी बढ़िया थी। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई नसीब और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों ऋषि कपूर की ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई जमाने को दिखाना है और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1982 में ऋषि कपूर की मूवी आई ये वादा रहा और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई दीदारे यार और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्रेम रोग और दोस्तों ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया थी। 1983 में ऋषि कपूर की मूवी आई बड़े दिल वाला और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कुली और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1984 में ऋषि कपूर की मूवी आई दुनिया और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आन और शान और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई ये इश्क नहीं आसान और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1985 में इनकी मूवी आई तवायफ और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। वैसे तवायफ का मतलब क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई सितमगर और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सागर और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई राही बदल गए और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1986 में इनकी मूवी आई नसीब अपना अपना और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई दोस्ती दुश्मनी और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई नगीना और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई एक चादर मैली सी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1987 में इनकी मूवी आई प्यार के काबिल और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई हवालात और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सिंदूर और दोस्तों ये मूवी हिट रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। 1988 में ऋषि कपूर की मूवी आई विजय और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जन्म जन्म और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई हमारा खानदान और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई घर घर की कहानी और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1979 में इनकी मूवी आई नकाब और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हथियार और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई घराना और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई चांद
चांदनी। और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही, वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया थी। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई बड़े घर की बेटी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों पहले के जमाने में एक नाटक आया करता था बड़े घर की बेटी, और वो नाटक भी काफी बढ़िया हुआ करता था। इसके बाद इनकी मूवी आई पराया घर, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई खोज, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। 1990 में इनकी मूवी आई शेषनाग, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई शेर दिल, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई आजाद देश के गुलाम, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अमीरी गरीबी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हो गई। 1991 में इनकी मूवी आई घर परिवार, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई अजूबा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों ये मूवी कलेक्शन की वजह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद इनकी मूवी आई हीना, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई रणभूमि, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बंजारन, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया थी, लेकिन कमाई की वजह से ये भी फ्लॉप हो गई। 1992 में ऋषि कपूर की मूवी आई बोल राधा बोल, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कसक, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई हनीमून, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रिश्ता हो तो ऐसा, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई दीवाना, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1993 में ऋषि कपूर की मूवी आई श्रीमान आशिक, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई साहिबान, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई साधना, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गुरुदेव, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई अनमोल, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई दामिनी, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। वैसे दामिनी मूवी को किस किसने देखा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद इनकी मूवी आई इज्जत की रोटी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1994 में ऋषि कपूर की मूवी आई मोहब्बत की आरजू, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ईना मीना डीगा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई साजन का घर, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर जी की मूवी आई घर की इज्जत, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद ऋषि कपूर जी की मूवी आई पहला पहला प्यार, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्रेम युग, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1995 में ऋषि कपूर की मूवी आई साजन की बाहों में, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हम दोनों, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई याराना, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1996 में ऋषि कपूर की मूवी आई प्रेम ग्रंथ, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दरार, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1997 में ऋषि कपूर की मूवी आई कौन सच्चा कौन झूठा, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 1999 में इनकी मूवी आई जय हिंद, और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2000 में इनकी मूवी आई कारोबार, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई राजू चाचा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2001 में ऋषि कपूर की मूवी आई खट्टी मीठी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2002 में ऋषि कपूर की मूवी आई यह है जलवा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2004 में इनकी मूवी आई हम तुम, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 2005 में इनकी मूवी आई प्यार में ट्विस्ट, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2006 में ऋषि कपूर की मूवी आई फना, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई लव के चक्कर में, और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2007 में इनकी मूवी आई नमस्ते लंदन, और दोस्तों ये मूवी भी सेमी हिट रही। 2009 में ऋषि कपूर की मूवी आई लक बाय चांस, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई चिंटू जी, और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई दिल्ली 6, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई लव आजकल, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कल किसने देखा, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2010 में ऋषि कपूर की मूवी आई शादियां, और दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई 2x4, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 2011 में ऋषि कपूर की मूवी आई पटियाला हाउस, और दोस्तों ये मूवी
फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई टेल मी ओ खुदा और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2012 में ऋषि कपूर की मूवी आई अग्निपथ और दोस्तों ये मूवी सुपरहिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हाउसफुल 2 और दोस्तों ये मूवी सुपरहिट रही। 2013 में ऋषि कपूर की मूवी आई चश्मे बदूर और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई औरंगजेब और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई डीडे और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बेशरम और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई शुद्ध देसी रोमांस और दोस्तों ये मूवी सुपरहिट रही। 2014 में ऋषि कपूर की मूवी आई बेकूफिया और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 2015 में इनकी मूवी आई ऑल इज वेल और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2016 में इनकी मूवी आई कपूर एंड सन्स और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 2017 में ऋषि कपूर की मूवी आई पटेल की पंजाबी शादी और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 2018 में ऋषि कपूर की मूवी आई 102 नॉट आउट और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई मुल्क और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 2019 में ऋषि कपूर की मूवी आई झूठा कहीं का और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद ऋषि कपूर की मूवी आई द बॉडी और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। दोस्तों ये मूवी ऋषि कपूर की लास्ट